मस्तूरी में 19 अप्रैल की सुबह 9 बजे राष्ट्रीय स्टील एंड पावर प्लांट के पीजीपी सेक्टर में एक गैस रिसाव होने से आग लग गई थी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज बिलासपुर के महादेव हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गंभीर घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्लांट में हुए हादसों के विरोध में आप पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्लांट का घेराव कर 10 बिंदुओं में प्लांट प्रबंधन से जवाब मांगा है। कई आरोप भी लगाए गए हैं जो कि सही है। वहीं आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य 3 मांगे रखी हैं, जिसमें ज्यादा घायल 3 लोगों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा और कम जले लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की मांग की है। 6 घायलों को परमानेंट नौकरी देने की मांग की है। तत्काल बेहतर इलाज के लिए बर्न यूनिट वाले हॉस्पिटल में इलाज करने की मांग की थी। मुख्य मांगों को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जमकर प्लांट के विरुद्ध नारेबाजी की। साथ ही प्लांट में चल रहे कमियों को बताने के लिए काम कर रहे कर्मचारियों से तब कर्मचारी खुलकर सामने आया और हाल ही में झुलसे युवक ने अपनी जख्म दिखाया। वही एक कर्मचारी ने महीने में महज 15 दिनों का काम देने और मापदंड से कम रोजी देने का आरोप लगाया। इन सब के बीच आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्लांट की कई कमियां गिनवाई और जमकर नारेबाजी करने लगे। सभी लोगों का लगा कि आप पार्टी आम जनता के साथ है, लेकिन कुछ देर तक प्रदर्शन चलने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेता प्रशासनिक अधिकारी और अधिकार प्लांट और प्रबंधन के बीच बंद कमरे में तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत चली। जब वापस निकले तब सब सामान्य हो गया। जो भी मांगे थी उन्हें प्लांट प्रबंधन ने अमल नहीं किया। उसके बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से सब वापस लौट गए। ये 20,000 बहुत कम पैसा है और इस तरह हम लोग आंदोलन 4 फैक्ट्री हम लोग बंद कराए हैं, 4 साल में 4 फैक्ट्री और 35 आंदोलन किए हैं। ऐसा मीटिंग अभी तक बला के बंद करने में कहीं नहीं किया गया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ओपन होना चाहिए, सब चीज़ सबके बीच में रखना चाहिए और ये ओपन ओपन नहीं करके इन लोग दबाव डालना चाह रहे हैं और सही चीज़ों तथ्य को दबाना चाह रहे हैं। सीधा सीधा बात है, यहाँ पर 1.25 करोड़ का पेनाल्टी लगा हुआ है कंपनी को, फर्जी तरह से चला रहा है। ये प्रधानमंत्री रोजगार वाला रोड है, इसमें इसको परमिशन दिया गया है, परमिशन है कि नहीं इनको पता नहीं, पानी कहाँ से ले रहा है इसको परमिशन ही नहीं है, पर्यावरण विभाग से इसको परमिशन ही नहीं है, तो ये किस तरह से परमिशन दिया जा रहा है? कलेक्टर कलेक्टर महोदय परमिशन दे रहे हैं, इसमें SDM आ रहा है, तहसीलदार आ रहा है, इनको कोई चीज़ का जानकारी नहीं है। ये ऐसे चलाएगा तो जो काम करने वाले लोग हैं मर रहे हैं, इसका 20,000 देख क्या होता है आज में? इसको 5 लाख तत्काल देना चाहिए, मुआयना कराना चाहिए, 25-25 लाख देना चाहिए इनको। कल के डेट में मर जाते हैं क्या जवाबदारी ले रहे हैं यार? कुछ नहीं ले रहे हैं जवाबदारी, कहाँ भर्ती किए हैं जाके हॉस्पिटल में, कोई जानकारी नहीं है, बोल बस रहे हैं, जाते नहीं है वहाँ। भाई इसका FIR दर्ज होना चाहिए, पार्टी हम लोग जाएंगे और FIR 2 दिन के बाद FIR दर्ज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद। नहीं पार्टी के लोग जाएंगे, अगर मानेंगे नहीं, बात नहीं मानेंगे तो हम FIR दर्ज करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भाई 20,000 में आप क्या होगा? आप जाओगे तो तुरंत का तुरंत आप 20,000 आपको जमा करा लेते हैं पैसा, उसके बाद इलाज होगा आपका, 20,000 में इलाज कराओगे आप? आगे प्रदर्शन ये रहेगा, बातें नहीं मानी जाएगी तो वहाँ प्रदर्शन, हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ग्रामीणों को बुलवाएंगे, ग्रामीण लोग यहाँ बैठेंगे और फैक्ट्री बंद कराएंगे आने वाले समय, जैसे कि मस्तूरी में जैसे हुआ, बात नहीं माने हैं कंपनी वाले, बाद में बात मनवाने के लिए हम ग्रामीण के साथ जाएंगे, आम आदमी पार्टी पूरा पूरा जाएगी और प्रदर्शन करेंगे, यहाँ फैक्ट्री बंद कराएंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक। राजीव शर्मा कार्यक्रम प्रभारी सर लोग हैं, यूनिट में शिफ्ट किया जाए ये मांग थी, तो मैनेजमेंट से जो उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो सहमति बनी है वो बात किए हैं कि आज दोपहर के बाद उनका डॉक्टर के साथ एक सेकेंड ओपिनियन के लिए अपॉइंटमेंट है और सेकेंड ओपिनियन लेते हुए जैसे ही उनका शायद मैग्नेटो मॉल के पास भी कोई ट्रॉमा सेंटर बर्न सेंटर है वहाँ दोनों डॉक्टर की सहमति बन जाती है तो तुरंत तत्काल उनको शिफ्ट कराया जाएगा। जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी उनके इलाज में खर्चे होंगे वो कंपनी वहन करेगी, जितने भी 6 लोगों का इलाज है और अभी भी कर रही है ऐसा करके उन्होंने बताया हमें, ये आश्वासन दिया है कि आपको इलाज में किसी भी प्रकार की कमी और 1 रुपया भी नहीं लगेगा मजदूरों का। दूसरा मांग ये था हमारे कि जितने भी जो मजदूर हैं उनको 5-5 लाख रुपए की, जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उनको मुआवजा राशि दिया जाए और जो कम घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए की दिया जाए और जब तक वो मुआवजा की राशि आती है गवर्नमेंट के प्रोसेस करके जो नॉर्म्स के हिसाब से जो मुआवजा की राशि आती है तब तक उनको तत्काल राहत राशि 1 दिया जाए। तो राहत राशि में जो सहमति बनी है उसमें जो 3 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको तत्काल आने जाने की सुविधा के लिए 20,000 रुपये की राशि दिया जा रहा है, तो कल शाम तक ट्रांसफर हो जाएगा उनके बैंक खाते में, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाएगा। और जो कम गंभीर रूप से घायल हैं उन 3 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी जो घायल हैं पीड़ित हैं
उनसे आने जाने के लिए, मिलने के लिए, या बाहर में जिनके परिजन रहते हैं, जो दो लोगों का परिजन रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उन दो लोगों के परिवार के लोगों का आने जाने का जो व्यवस्था है, रहने खाने का भी जो खर्चा है, उसको मैनेजमेंट उठाएगी यहाँ जब तक उनका इलाज चल रहा है तब तक, ताकि किसी भी प्रकार के उनका एक रुपया उनके जेब से, उनके परिवार के जेब से ना लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा गंभीर हम लोगों ने मांग रखी थी वो है कि जब वो ठीक होके आएंगे, जब तक वो ठीक होके आएंगे तब मेडिकल जांच के आधार पर उनकी जो भी कंडीशन रहेगी, अगर वो काम करने के योग्य रहेंगे तो उनको कंपनी के पेरोल में परमानेंट उनको रखा जाएगा, ना कि ठेकेदार के अंदर रखा जाएगा। तो इसमें भी मैनेजमेंट ने सहमति बताई है, लिख के दिया है कि हम उसको परमानेंट पेरोल में उनकी योग्यता के अनुसार में रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो उनका उस समय के आधार पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब में जो मुआवजा की राशि बनती है उनकी लाइफ टाइम के लिए, जितना भी उनकी पूरी जिंदगी की उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर, वो उस समय डिसाइड होगा लेबर लॉ केस पर, लेबर लॉ। ठीक है, तो ये जो प्रमुख मांगे थी वो मांगे हमने जो इनके, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, तो ये तो हो गया जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं प्लांट में विभिन्न मांगों को लेकर जनप्रतिनिधि और अन्य द्वारा किया गया, अपनी मांगे रखी गई प्लांट प्लांट के भी उचित चिकित्सा प्रोवाइड करानी है, और परिवारजनों की जो भी आर्थिक मदद होगा वो सभी तत्काल प्रोवाइड कराने के लिए, और जो गंभीर मरीज हैं उनको 20,000 रुपये आर्थिक सहायता, तथा जो आंशिक रूप से जिनकी वो नुकसान हुए हैं 10,000 रुपये की प्लांट द्वारा जनप्रतिनिधियों के समक्ष दिया गया, आश्वासन दिया गया है, और विभिन्न जो भी उनकी चिकित्सा संबंधी हो सके उसमें प्लांट प्रबंधक द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, 3 बिंदुओं पर हुई है, कई मांगों को लेकर हुई है। तो जो उनके बीच 3 मुख्य रूप से जो मांगे थी कि पीड़ित को, कई मांगों को लेकर हुई है, जो मुख्य रूप से इन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड में अपना सुधार लाने का आश्वासन दिया है, बाकी 3 मांग मुख्य रूप से पीड़ित को तत्काल सहायता और जो भी पीड़ितों के यथासंभव चिकित्सा मदद के लिए था उसे तत्काल पर प्लांट वाले द्वारा निश्चित करने से। नहीं, अभी तत्कालिक रूप से प्लांट प्रबंधक द्वारा से बात करके सहमति उपरांत 20,000 रुपये गंभीरों को और 10,000 रुपये जो आंशिक रूप से उनको देने का सहमति बनी, और बाकी जो भी होगा लेबर सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार बाद में जो भी उचित मुआवजा मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उस पर मेडिकल राय लेकर जो भी होगा उचित इलाज देकर उस पर किया जाएगा, आश्वासन दिया गया है। उचित मेडिकल कंसल्टेंट, डॉक्टर कंसल्टेंट करके मेडिकल की तैयारी की है,